गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने थर्ड लेसन तारोज रिवार्ड, तारों का पुरस्कार के बारे में कहानी को पढ़ा। अब हमारे उसी ज्ञान के आधार पर जो हमने उस कहानी के माध्यम से जाना, जो कहानी में हमने पढ़ा, उसका उपयोग करते हुए उसके कुछ प्रश्न जो है वो आगे दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्रश्न है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जलधारा होता है। व्हाई यानी क्यों, रन यानी दौड़ा। तो तारो जो है वह उस स्ट्रीम की दिशा में क्यों दौड़ा, उस जलधारा की दिशा में तारो जो है वो क्यों दौड़ा। तो देखिए, तारो हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन ए प्लेस वेयर ही हैड नेवर सीन और हर्ड ऑफ एनी रिवर और स्ट्रीम। तारो ने पानी के गिरने की आवाज जो है उस स्थान पर सुनी जहां पर उसने कभी भी पानी की नदी या धारा के बारे में न तो सुना था न देखा था। ऐसी जगह पर पानी को जब गिरते हुए उसने आवाज़ सुनी तो वह जो है वो दस ही रैन, इसलिए वह इस प्रकार वह रैन यानी भागा द डायरेक्शन ऑफ द साउंड टू सी व्हाट इट वाज, ये देखने के लिए भागा उस दिशा की ओर कि वहाँ पर वह जो आवाज़ आ रही थी वह क्या था, वास्तव में पानी था या कुछ और था। इस बात को जानने के लिए वह उस स्थान की ओर दौड़ा। तो ये हुआ फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड तारोज फादर सो हिज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशी या प्रसन्नता, सो यानी प्रकट करना, दिखाना। तारोज फादर, तारो के पिताजी ने आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, उस शेक को पीने के बाद, उस शेक को पीने के बाद तारो के पिताजी ने अपनी प्रसन्नता कैसे जाहिर की, अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त किया, उन्होंने कैसे बताया। तो देखिए, तारोज फादर वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही ड्रैंक द शेक। तारो के पिताजी जो है उस शेक को पीने के बाद बहुत जो है वो प्रसन्न हुए, खुश हुए। दैट तारो ब्रोट फ्रॉम द मैजिकल वाटरफॉल, उस शेक को पी करके तारो के पिताजी बहुत खुश हुए, जो कि तारो ने एक जादुई झरने से लाया था। He did a little dance in the middle of the floor to show his joy. और अपनी खुशी को बताने के लिए, joy यानी जय हुआ, joy यानी खुशी, floor यानी आंगन होता है, middle यानी बीच में, dance यानी नृत्य करना। तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए तारों के पिताजी ने उसके घर के आंगन के बीच में कुछ या थोड़ा नृत्य किया। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर था। तो दोनों प्रश्नों के आंसर जो है वो आपको लिखने हैं, और इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको बार बार वीडियो को ना देखना पड़े और आप आसानी से जो है इसके आंसर जो है वो लिख सकें। अब नेक्स्ट आपके सामने जो है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक
एंड अदर्स वाटर, मतलब उस झरने ने, वाटरफॉल ने तारों को सेक क्यों दिया और अन्य को केवल पानी जो है वो सादा पानी जो है वो क्यों दिया। तारों को तो उसने झरने ने सेक दिया और बाकी को जो है वो पानी दिया था, ऐसा क्यों किया झरने ने? तो इसका उत्तर आपको देना है, तारो वॉज अ ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य प्रायण, तारो जो है वो कर्तव्य प्रायण एंड केयरिंग सन और ध्यान रखने वाला पुत्र था। तारो एक कर्तव्य प्रायण और ध्यान रखने वाला पुत्र था। हु डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की खुशियों के लिए, उनकी खुशियां लाने के लिए उसने जितना अच्छा प्रयास वो कर सकता था इतना उसने किया। उसने अपना पूरा प्रयास जो है वो अपने माता पिता की खुशियां लाने में किया, हैप्पीनेस यानी खुशियां। द वॉटरफॉल गेव डिलीशस, वाटरफॉल यानी झरना, गेव गिव का सेकंड फॉर्म है, गिव देना, गेव दिया और गिवन दे चुका, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उस झरने ने तारों को स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट उस झरने ने तारों को स्वादिष्ट सेक दिया एज ए रिवार्ड, एक उपहार के रूप में, फॉर हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति उसका जो स्नेह था, उसका व्यवहार जो उसके माता पिता के प्रति था, उसका प्यार जो है अपने माता पिता के प्रति था, उसके पुरस्कार के रूप में उस झरने ने तारों को जो है वो सेक दिया। नन इन द विलेज हैड, नन इन द विलेजर हैड दिस क्वालिटी, और दूसरे किसी ग्रामीण में इस प्रकार का गुण नहीं था, दूसरे किसी भी ग्रामीण में इस प्रकार का गुण, क्वालिटी यानी गुण नहीं था। एंड सो फार, और इसलिए देम द वॉटरफॉल गेव ओनली प्लेन वाटर, प्लेन यानी सादा, तारों के जैसा गुण दूसरे किसी ग्रामीण में नहीं था, इसलिए उस झरने ने उनको जो है वो केवल साधारण या सादा पानी जो है वो दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो, विलेजर्स ग्रामीण, वांट यानी चाहना, ड्राउन यानी डुबाना, डुबाना डुबोना, तारो यानी तारों को, ग्रामीण जो है वो तारों को क्यों डुबोना चाहते थे? तो देखिए क्यों डुबोना चाहते थे, तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स, तारो ने ग्रामीणों को बताया था दैट द वाटरफॉल की झरना जो है गेव सेक, झरने ने जो है वो सेक दिया, ये सेक जो है वो झरने ने दिया, ऐसा उसने ग्रामीणों को बताया था। बट व्हेन द विलेजर्स ड्रैंक फ्रॉम द वाटरफॉल, लेकिन जब ग्रामीणों ने उस झरने से पानी पिया, दे फाउंड, उन्होंने पाया, फाउंड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, फाइंड से बनी है, फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फाउंड और फाउंड, ठीक है, ये तीनों फॉर्म है, ऐसे चलती है इसमें।
तो उन्होंने पाया, दे फाउंड इट टू बी ओनली कोल्ड वाटर, तो उन्होंने केवल इसको जो है वो ठंडा पानी ही पाया। दिस मेड द विलेजर्स थिंक, और इसने उन ग्रामीणों को बना दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ तारों के द्वारा धोखा दिया गया है, धोखा दिया गया है। सो दे वॉन्टेड टू ड्रॉन हिम, इसलिए वे जो है वो तारों को डुबोना चाहते थे। तो इस दो प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 मैं आंसर लिखाता हूँ इसका, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें और फिर लिखे पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो, एम्परर का मतलब सम्राट, रिवार्ड यानी उपहार देना तारो यानी तारो को, उस जापान के एम्परर ने, वहाँ का सम्राट जो था उसने तारों को उपहार क्यों दिया, क्या कारण था उपहार देने का। तो द एम्परर रिवार्डेड, एम्परर ने उसको पुरस्कार दिया फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता एंड लविंग केयर, और प्यार भरी देखभाल फॉर हिज पेरेंट्स, उस तारों की उसके माता पिता के प्रति जो दयालुता थी, जो उसके उसकी उनके प्रति प्यार भरी देखभाल जो थी, उसके पुरस्कार के रूप में उस सम्राट ने तारों को पुरस्कार दिया या पुरस्कृत किया। द रिवार्ड वॉज ऑल्सो ए मैसेज, और रिवार्ड जो है ये पुरस्कार जो है वो एक संदेश भी था, ये पुरस्कार जो है वो एक संदेश भी था टू ऑल चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए, टू बी ड्यूटीफुल एंड केयरिंग टुवार्ड्स देयर पेरेंट्स इन द सेम मैनर, ये दूसरे बच्चों के लिए भी, ये दूसरे बच्चों के लिए भी एक संदेश था जो पुरस्कार सम्राट ने तारों को दिया था, ये दूसरे बच्चों के लिए भी एक संदेश था, और संदेश ये था कि उनको भी, दूसरे बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यपरायण और देखभाल करने वाले जैसे तारों करता था ऐसे ही उसी तरीके से होना चाहिए, दूसरे बच्चों को भी उसी प्रकार से अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यपरायण और केयरिंग जो है वो होना चाहिए, ये इस प्रश्न का आंसर था। तो ये कंप्रिहेंशन चेक वाले जो प्रश्न है, टेक्स्ट बुक में से जो प्रश्न जो है वो पांचों के पांचों प्रश्न जो है वो आपको करवा दिए गए, इनके आंसर आपको, इनके आंसर्स जो है वो लर्न करने हैं। और जिसने वीडियो लेक्चर जो है वो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो लेक्चर को जिसने ध्यान से, इस पार्ट के वीडियो लेक्चर जो भी मैंने करवाए, ट्रांसलेशन करवाया और डिफिकल्ट वर्ड्स पहले करवाए, तो जिन भी बच्चों ने ध्यान से इन वीडियो लेक्चर्स को सुना, जिनको स्टोरी समझ में आई, उनको प्रश्न का उत्तर देना भी जो है वो आ जाएगा मेरे हिसाब से, और प्रश्नों के आंसर को लर्न करने में भी उनको सुविधा होगी, क्योंकि स्टोरी जो है वो उनको मालूम है, तो वह जो है वो प्रश्न को समझ करके उसका उत्तर जो है वो दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स करें, और उसके बाद जो है वो दो लेक्चर जो है वो मैंने इस ट्रांसलेशन के बनाए,
उन वीडियो लेक्चर को सुने और फिर जो है वो पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें। टेक्स्ट बुक सभी के पास में होगी, सभी ले आए होंगे टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में पीछे जो प्रश्न दिए हैं आप चाहो तो जैसे पैसेज मैसेज जैसे उत्तर देते हैं परीक्षा में, सीन और अनसीन पैसेज, पठित और अपठित गद्यांश जो है वो आप जिनके उत्तर देते आए हो पिछली कक्षाओं में, तो ऐसे के ऐसे आप चाहो तो पीछे से प्रश्न देख करके और फिर जो है इस पाठ पूरे पाठ को जो है आप गद्यांश समझ सकते हो और इसमें से आप जो है वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हो जैसे आमतौर पे पैसेज में करते हो। तो इससे जो है वो हो सकता है कि आप जो है उत्तर का पैटर्न सही न लिख पाओ, कहीं जो है वो थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, कोई मिस्टेक्स भी हो सकती है, लेकिन ऐसे आप अगर प्रयास करोगे तो इससे आपको फायदा ही होगा कि जब भी परीक्षा में आपके सामने पैसेज आएंगे तो आपके उन पैसेज के प्रश्न जो है उनका उत्तर देने में किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आप पहले कर चुके होंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जो है प्रश्नों के उत्तर स्वयं जो है वो ढूंढ करके जो है वो देने का प्रयास करें और उसके बाद हो सके तो जो है वो आप इस वीडियो लेक्चर का सहारा लें, लेकिन वीडियो लेक्चर का सहारा ही लेकर के जो है उत्तर लिखने का प्रयास करें ऐसा न हो, तो पहले खुद प्रयास करें और उसके बाद जो है इस वीडियो लेक्चर का सहारा लें। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, कम लिखें लेकिन सुंदर लिखें, दिखने वाला उस आपके उस लिखावट को देखने वाला जो है वो आपकी राइटिंग देखते ही जो है वो प्रभावित हो, ऐसा लिखें, आपकी राइटिंग की प्रशंसा करें। इससे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिखावट जितनी अच्छी होगी आपके मार्क्स में इतना ही जो है वो फायदा होगा, आगे वाले का माइंड इस प्रकार से आपके प्रति सेट हो जाता है उस आपकी राइटिंग को देख करके। अगर खराब राइटिंग होगी तो माइंड उसका जो है वो नकारात्मक आपके प्रति सेट हो जाएगा और अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आगे वाले का माइंड जो है वो आपके प्रति सकारात्मक सेट हो जाएगा, सकारात्मक सेट होगा तो नंबर आपको वो हाथ खोल करके देगा, और अगर राइटिंग खराब हुई और दिमाग उसका नकारात्मक बन गया तो आपकी मार्किंग जो है वो कस करके होगी, नंबर कम प्राप्त होंगे। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, बार बार कहने की ज़रूरत न पड़े, सुंदर राइटिंग में अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करें। विशेष तौर पे गलतियां आपकी होती है, शब्दों को आप बिल्कुल पास में चिपका देते हो, तो ऐसा न करें, एक शब्द लिखने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखें उसके बाद दूसरा शब्द लिखें, अक्षरों के फॉर्मेशन पर जो है वो ध्यान दें, कौन सा अक्षर कहाँ लिखना है इसका विशेष ध्यान रखें, कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल होता है इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। लाइन, एक लाइन की कॉपी में जो काम कर रहे हो तो एक लाइन की जो लाइन जो है बनी हुई है उसमें हमेशा आपको मालूम होगा कि इंग्लिश का जो शब्द लिखा जाता है वो लाइन के ऊपर टच करते हुए लाइन को लिखा जाता है और हिंदी का शब्द जो होता है वो लाइन के नीचे लाइन को टच करते हुए लिखा जाता है, ये आप देखते आए हो पहले भी, और इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो है वो इस प्रकार से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूं और कल जो है वो आपके सामने इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।